चलिए आज हम जानेंगे वॉशिंग मशीन के बारे में। वॉशिंग मशीन को पूरा समझेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी उसमें क्या होता है, किस प्रकार से वो कार्य करती है, उसमें कैसे कपड़े को धोती है, कैसे कपड़े को सुखाती है, उसके एक एक पार्टों को पूरा विस्तार से समझेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए वॉशिंग मशीन क्या होती है। कपड़ा को धोने वाली जो मशीन होती है, कपड़े को धोने और सुखाने का दोनों कार्य करती है। और वॉशिंग मशीन ऐसे मुख्य रूप से दो होती है, एक होती है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और दूसरी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो ये जो वॉशिंग मशीन हम लोग सीखने जा रहे हैं ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। देखिए अगर हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के सभी पार्टों को अगर बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी सारी वॉशिंग मशीनें आसान तरीके से आ जाएगी। तो इसके जो पार्टों की बात करें, सबसे पहले देखिए वॉशिंग मशीन कुछ इस प्रकार से हमें दिखती है, जो कि ये बाहर का मतलब पूरी बॉडी इसकी, लेकिन इसके पार्टों की बात करें कि ये किस प्रकार से कपड़े को धोती है और किस प्रकार से सुखाती है, तो इसके अंदर देखिए दो खाने बने होते हैं। वॉशिंग मशीन में ये जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है इसमें दो खाने बने होते हैं। दो खाने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक खाना जो कपड़े को जिसमें धुला जाता है यानी साफ किया जाता है, और जो दूसरा खाना होता है जिसमें कपड़े को सुखाया जाता है। तो एक में हो गया कपड़े को धोने वाला, दूसरा हो गया सुखाने वाला। अब देखिए जो धोने वाला वॉशिंग मशीन का जो कपड़े को जिसमें धुला जाता है उसके अंदर क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, अगर उन पार्टों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है, देखिए इसमें एक होता है एक ड्रम। ये जो ड्रम होता है ना, इस ड्रम को बोलते हैं वॉश ड्रम के नाम से। देखिए ये जो वॉशिंग मशीन में ड्रम का प्रयोग, वॉश ड्रम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि पानी सरफ जो कुछ वगैरह होता है सब इसी में इकट्ठा किया जाता है, इसी में भरा जाता है और इसी में स्टोर रहता है कपड़े को धुलने के लिए। तो ये हो गया हमारा वॉश ड्रम, ये पहला पार्ट हमारा हो गया वॉश ड्रम। और वॉश ड्रम क्या होता है, वॉश ड्रम के देखिए नीचे का जो पॉइंट होता है ना इस प्रकार से ज्वाइंट होता है और इसके बीच में ऐसे कुछ एक पार्ट लगा होता है जिसका नाम होता है गियर बॉक्स। ये जो पार्ट होता है ना, देखिए ये जो हमारा सबसे पहला भाग है इसका नाम है वॉश ड्रम, यानी जिस ड्रम में कपड़े को धुलने के लिए रखा जाता है उसे वॉश ड्रम के नाम से बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट है ये देखिए हमारा होता है गियर बॉक्स, एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स ये क्या होता है, इसके अंदर जैसे देखिए बैरिंग वगैरह लगी होती है ना, जैसे कुछ घुमाने के लिए एक पार्ट दूसरे को घुमाता है ना, तो इस प्रकार से गियर बॉक्स होता है। जो गियर बॉक्स का कार्य होता है कि वॉश ड्रम में लगे, देखिए वॉश ड्रम के अंदर एक और पार्ट लगता है जिसका नाम होता है पल्सटर। इसका नाम होता है पल्सटर, इसका नाम होता है पल्सटर। ये पल्सटर क्या होता है ये समझिए, देखिए पल्सटर क्या होता है ना, जब वॉशिंग मशीन कार्य करती है तो जो बीच में चलता है ना, जो कपड़े को एक बार उल्टा और एक बार सीधा गति से घुमाता है ना, ये पल्सटर होता है, यही घूमता है। और इसी के घूमने की वजह से देखिए वॉश ड्रम में ये ड्रम नहीं घूमता है, सिर्फ पल्सटर घूमता है, और इसी की वजह से जो कपड़ा पानी सरफ जो कुछ रखा होगा इसमें वो भी घूमेगा, और एक बार सीधी दिशा में घूमता है और फिर दूसरी बार उल्टी दिशा में घूमता है, यानी उल्टा और सीधा उल्टा सीधा, यानी लगभग देखिए एक दिशा में जब ये घूमना शुरू करता है लगभग दो से तीन राउंड घूमता है और फिर रुकता है और फिर उल्टा घूमता है, फिर रुकता है, फिर उल्टा घूमता है, बस ये एक बार उल्टा और एक बार सीधा घूमता है। इसके बाद देखिए जो गियर बॉक्स है इसके अंदर इसमें ऑयल भी होता है जो बढ़िया तरीके से रिपेयर होता रहता है, चलाने का कार्य करता है। इसके नीचे जो इसमें लगा होता है वो लगा होता है एक पुल्ली, पुल्ली मतलब समझते हैं ना जिसमें पट्टा चढ़ाया जाता है ना किसी भी चीज का, तो वो होता है इसमें पुल्ली। और इसके अंदर पुल्ली के होता क्या है, एक बेल्ट लगता है, यानी एक पट्टा लगा होता है, और पट्टा लगा कहां होता है, एक मोटर में। ये जो मोटर है ना, समझ पाएंगे यहां पर देख पाएंगे, ये हमारा हो गया मोटर। ये मोटर कैसा होता है, मोटर नॉर्मल होता है, इसमें से तीन तार निकलते हैं जिसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। नॉर्मल एक मोटर है जिसमें तीन तार है, एक का नाम होता है कॉमन, दूसरी का नाम होता है रनिंग और तीसरे का नाम होता है स्टार्टिंग। तो ये नॉर्मल एक मोटर है जिसमें 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से कार्य करता है, इसमें कैपेसिटर भी लगता है, और इसको जो चलाने के लिए जिस कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है लगभग 8 से 10 12 एमएफडी तक का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो वॉशिंग मशीन आती है ना, इसका जो मात्रक होता है वो केजी में होता है, यानी कि किलोग्राम में होता है। जैसे कि कितने केजी की वॉशिंग मशीन ले रहे, 5 केजी 6 केजी 7 केजी 8 केजी, तो वॉशिंग मशीन का जो मात्रक होता है वो केजी होता है। मात्रक का मतलब समझ रहे ना, जैसे दूरी का मात्रक होता है किलोमीटर, द्रव का मात्रक होता है लीटर, ठोस का मात्रक होता है किलोग्राम, उसी तरह से वॉशिंग मशीन का मात्रक भी किलोग्राम होता है। तो देखिए ये जो मोटर है ना, ये एचपी के हिसाब से आता है, 1/6 HP का होता है, 1/4 HP का भी प्रयोग किया जाता है, 1/2 का भी अगर बड़ी वॉशिंग मशीन है तो प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये वॉशिंग मशीन में मोटर लगता है, और ये जो मोटर लगता है ना, इस मोटर का नाम होता है वॉश मोटर, इस मोटर का नाम होता है
वाश मोटर, ये हमारा हो गया मोटर। और मोटर देखिए, जब ये मोटर चलता है तो ये पट्टा लगा होता है, ये जो पट्टा इसको हम बोलते हैं बेल्ट, बेल्ट मतलब पट्टा। अब क्या होता है, जब मोटर चलेगा तो ये बेल्ट घूमेगा यानी पट्टा चलता है, और पट्टा के चलने की वजह से गियर बॉक्स घूमता है, और गियर बॉक्स के घूमने की वजह से इसमें कपड़ा घूमता है, और कपड़ा एक बार उल्टा फिर रुकेगा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, और इसी तरह से जब कपड़ा धुलते रहता है ना, घूमते रहता है, तो उसमें साफ हो जाता है, धुल जाता है। और देखिए, जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल जाए तो इसके अंदर एक स्विच लगी होती है, जिस स्विच का नाम होता है ड्रेन स्विच, उसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। उस स्विच से क्या होता है कि जब हम उस स्विच को घुमा देते हैं तो कपड़ा धुलने के बाद जो इसके अंदर गंदा पानी है ना, वो बाहर निकालने के लिए उस स्विच का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो वॉश ड्रम में पानी या सरफ डालने के लिए एक ढक्कन का प्रयोग किया जाता है, ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, इस ढक्कन को भी हम बोलते हैं वॉश ढक्कन। मतलब समझिए, कपड़ा को धोने से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं सबका नाम वॉश से रिलेटेड है। मतलब जैसे ये वॉश ढक्कन, वॉश ड्रम, वॉश मोटर, वॉश पल्सटर, यानी हर एक पार्ट जो धोने से संबंधित है, वॉश का मतलब ही होता है धोना ना, तो जितने भी धोने से संबंधित है सारे के सारे वॉश के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये वॉश ढक्कन हो गया, अब इधर है वॉश ड्रम, इधर है हमारा वॉश मोटर, ये सब वॉश है। अब देखिए, यहां पे एक स्विच लगेगी, ये स्विच जो होती है ना, इस स्विच का कार्य होता है कि ये जो मोटर उल्टा और सीधा गति से घूमता है ना, तो ये मोटर की क्वालिटी नहीं होती, किसी प्रकार के बाइंडिंग की क्वालिटी नहीं होती कि नहीं इसमें कनेक्शन जाता है तो ये उल्टा सीधा घूमता है, नहीं, बाइंडिंग का मतलब नहीं है, मेन काम होता है ये जो हमारी स्विच लगी है ना, इस स्विच का नाम होता है वॉश टाइमर। देखिए, ये भी धोने से रिलेटेड है ना, इसलिए इसका नाम होता है वॉश टाइमर, यानी वॉश टाइमर। ये कार्य क्या करता है कि जो वॉश मोटर होता है ना, एक बार उल्टा और फिर एक बार सीधा, एक बार उल्टा और एक बार सीधा, यानी दोनों दिशाओं में चलाने का जो कार्य करता है वो वॉश टाइमर का होता है। वॉश टाइमर की वजह से ये मोटर उल्टा और सीधा चलता है। अगर इस मोटर को आप चाहे ना तो लगातार चला सकते हैं, ये एक ही दिशा में चलने वाला मोटर होता है, लेकिन ये स्विच उसको बदल देता है। दूसरी बात दिखाएं, ये जब मोटर चलता है ना तो मोटर के ऊपर ये जो पुल्ली लगी होती है, इस पुल्ली की जो साइज होती है वो छोटी होती है, और जो पल्सटर इधर यहां पे जो गियर बॉक्स के पुल्ली की साइज होती है ये बड़ी होती है। तो इसकी छोटी और बड़ी होने से क्या प्रभाव पड़ता है वो समझिए। देखिए, जब ये छोटी पुल्ली चलेगी ना तो ये छोटी वाली पुल्ली लगभग 3-4-5 राउंड जब घूमती है तो जाके ये गियर बॉक्स एक राउंड घूमता है। नहीं तो क्या होता ना, ये जो मोटर जितनी स्पीड से घूम रहा है उतनी स्पीड से अगर पल्सटर घूमता है तो कपड़ा वपड़ा सब फट जाता है। उसमें क्या होता है कि ये जब कई राउंड घूमता है तो ये एक राउंड घूमता है, यानी इसकी जो पुल्ली है वो बड़ी होती है। जिस प्रकार से जैसे साइकिल में होता है ना कि आगे का जो गियर होता है और पीछे की जो फिर्री होती है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि आगे का गियर बड़ा होता है, पीछे की छोटी होती है। उससे क्या होता है, जब हम उसमें पैडल मारते हैं तो एक चक्कर अगर पैडल का हम पूरा करते हैं तो जो फिर्री होती है लगभग 3 चक्कर घूम जाती है। यानी कि अगर हम पैडल एक चक्कर साइकिल में मारे तो पहिया 3 राउंड घूमता है। उसी प्रकार से यहां पर यह क्या हुआ, यहां पर उसका उल्टा है कि मोटर का जो है वो छोटा है और जो यहां पर गियर बॉक्स वाला पॉइंट है, यहां पर पुल्ली, वो बड़ा है। इसकी वजह से मोटर 3-4-5 राउंड मारता है तब जाकर के जो गियर बॉक्स ये एक राउंड घूमता है, यानी पल्सटर एक राउंड हमारा घूमता है। अब देखिए, ये वॉश टाइमर का कार्य हो गया मोटर को, वॉश मोटर को चलाना। अब देखिए, जब हम इसमें कपड़ा धुल लेते हैं, जब हमारा कपड़ा साफ हो गया, अब जो वॉश ड्रम में हमने पानी भरा, उस पानी को हमें बाहर निकालना होगा, और पानी को बाहर निकालने के लिए देखिए इसमें एक स्विच का प्रयोग किया जाता है, जिस स्विच का नाम होता है ड्रेन स्विच। इसके अंदर एक स्विच का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है ड्रेन स्विच। ड्रेन स्विच क्या कार्य करती है, इसका कार्य क्या होता है, ये समझिए। ये जो स्विच होती है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच नहीं है ये ड्रेन स्विच, इसमें किसी भी प्रकार की पावर, न्यूट्रल या फेस की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कुछ भी नहीं, ये बस नॉर्मल तरीके से कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, इसके अंदर एक धागा बांधा गया होता है, बस वो धागा का ही पूरा काम होता है ये ड्रेन स्विच हमारी कार्य करती है। स्विच को हम एक बार घुमा देते हैं, इसके अंदर सारा गंदा पानी बाहर निकल जाता है। निकलता कैसे अगर वो देखेंगे तो यहां पर देख पाएंगे, जैसे देखिए इसके अंदर एक बॉक्स के आकार का हम यहां पे बना रहे हैं, इसी प्रकार से उसमें बना होता है। अब ये वॉशिंग मशीन के पिछला अगर ढक्कन खोलेंगे ना तो वही पे ये बना होता है। और देखिए यहां से इसका पॉइंट जो होता है ना, देख पाएंगे यहां पर इसका जो पॉइंट होता है इस प्रकार से टच है। इसका जो इस प्रकार से टच होने का मतलब ये हुआ कि वॉश ड्रम का पानी यहां से इधर आ सकता है। अब देखिए ये सिर्फ एक रास्ता बनाया जा रहा है कि यहां से पानी आ सकता है,
और इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो नीचे का पॉइंट है यहां से पाइप निकाली जाती है और ये जो पाइप है ना इसमें से गंदा पानी बाहर निकलेगा, यानी कि वॉशिंग मशीन का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए ये पाइप लगी होती है। तो यहां इस पाइप के माध्यम से गंदा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब इसमें लगा क्या होता है, देखिए हमने कहा कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट ये नहीं होता है। इसके अंदर क्या लगा होता है देखेंगे, ऐसे एक लट्टू के आकार का इसमें लगा होता है, इस प्रकार से लट्टू के आकार का लगा होता है और ये क्या होता है रबड़ का बना होता है और इसके ऊपर धागा बंधा होता है और ये धागे का संपर्क जो है ना वो ड्रेन स्विच तक जाता है। देखिए ड्रेन स्विच कोई इलेक्ट्रिक पार्ट नहीं है ना, ये ड्रेन स्विच तक जाता है और ये जो धागा होता है ना इसी में ऊपर लगा होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करता है आप समझिए कि जब हम इस ड्रेन स्विच को ऐसे घुमाते हैं ना ये लट्टू वाला जो पॉइंट है ये ऊपर उठता है, क्योंकि ये धागा खिंचाएगा ये लट्टू वाला पॉइंट ऊपर उठेगा और जब ये पॉइंट ऊपर उठता है ना ये पॉइंट यहां से खुल जाता है और खुल जाने की वजह से क्या होता है कि जो वाश ड्रम में जो पानी है वो पानी इसी रास्ते से होते हुए बाहर निकल जाएगा। और जब हम इस स्विच को ऐसे छोड़ देंगे ढीला कर देंगे ना ये रस्सी नीचे की साइड में आएगी, स्प्रिंग उसको दबा के नीचे करेगी और यही लट्टू वाला पॉइंट नीचे वाले पॉइंट में आकर के बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से वाश ड्रम में पानी इकट्ठा रहेगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये हो गया हमारा ड्रेन स्विच, जिसका कार्य होता है कि वाटर ड्रम से पानी को बाहर निकालने के लिए ये हम ड्रेन स्विच का प्रयोग करते हैं। तो ड्रेन स्विच हमारा कंफर्म होगा। अब देखिए जो वाश टाइमर, वाश ये ड्रेन स्विच और वाश यानी धोने से संबंधित हमारा काम पूरा हो गया। जब हम कपड़े को धुल लेते हैं ना तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब उसको सुखाना है। सुखाने का मतलब समझिए, वॉशिंग मशीन कपड़े को सुखाती तो है लेकिन उसके अंदर कोई हीटर नहीं लगा होता, कोई इलेक्ट्रिक पार्ट ऐसा गर्म करने के लिए नहीं लगा होता, कपड़े को सुखाती नहीं है, सिर्फ उसके पानी को निचोड़ती है बढ़िया तरीके से। बढ़िया तरीके से पानी को निचोड़ सकती है, इतना निचोड़ेगी कि आप उसको प्रेस करके पहन भी सकते हैं, इतना बढ़िया तरीके से पानी को निचोड़ने का कार्य करती है ये हमारी वॉशिंग मशीन। तो समझिए आप सुखाती कैसे है वो समझना है। इसके लिए देखिए सुखाने के लिए देखिए सुखाने से संबंधित जितने भी पार्ट होंगे सारे के सारे इस स्पिन नाम से होंगे, जैसे स्पिन ड्रम, स्पिन टाइमर, स्पिन मोटर, जिस प्रकार से इधर वाश ड्रम वाश टाइमर था ना उसी तरह से इधर हमारा स्पिन के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो ढक्कन होता है ना इसको ऐसे खोलने और बंद करने के लिए सबसे अंदर एक लगा होता है, ये ऊपर भी दूसरा भी लगा होता है। इसमें क्या होता है इसका जो ढक्कन होता है इसको हम बोलते हैं स्पिन ढक्कन, स्पिन ढक्कन के नाम से हम ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा स्पिन ढक्कन। इससे क्या होता है इसमें देखिए इसका जो ढक्कन होता है ना इसके ढक्कन में भी वायरिंग किया जाता है, इसके ढक्कन में भी कनेक्शन किया जाता है, इसका जो ढक्कन होता है इसके ढक्कन में भी कनेक्शन किया जाता है, वायरिंग किया जाता है। देखिए इसका ढक्कन का मेन प्रभाव क्या होता है, जैसे हम वॉशिंग मशीन जब चलाते हैं ना जब वॉशिंग मशीन कार्य करती है तो जैसे हम इसको ढक्कन को खोलते हैं सुखाते समय, कपड़े को सुखाते समय अगर जैसे ढक्कन को खोलते हैं ऑटोमेटिक डायरेक्ट वो बंद हो जाता है, उसका जो वॉश ड्रम होता है सॉरी उसका जो स्पिन ड्रम होता है वो डायरेक्ट बंद हो जाता है। बंद होना कैसे, देखिए जैसे अगर हम कोई फैन चला रहे हैं और फैन को अगर हम स्विच से बंद कर दें डायरेक्ट तो वो फैन जो रुकेगा लेकिन एकाएक नहीं रुकेगा, धीरे धीरे करके रुकेगा, लेकिन इसके अंदर जो ड्रम होता है ना देखिए ये जो ड्रम होता है यहां पर एक ड्रम होता है जिसके अंदर हम कपड़े को सुखाने का कार्य करते हैं, जब इस ढक्कन को खोलते हैं ना ये ड्रम एकाएक रुकता है, यानी इतना तेज गति से रुकता है कि अगर आप इसको देखना भी चाहें ना कि नहीं चल रहा था कि नहीं चल रहा था तो आप देख भी नहीं पाएंगे, पता भी नहीं चल पाता, इतना तेज रुकता है। और रुकने का कारण क्या है कि इस ढक्कन में ब्रेक भी लगा होता है और इस ढक्कन में वायरिंग भी की गई होती है। वो जो वायरिंग होती है ना देखिए वायरिंग का क्या होता है कि इस ढक्कन को जैसे हम खोलते हैं ना तो इसके अंदर दो तार होते हैं, वो दोनों टच होते हैं, जैसे कि जब ढक्कन को हम बंद करते हैं ना तो नीचे का पॉइंट ऐसे जाकर के एक पॉइंट टच होता है तो सप्लाई को आउट करने लगता है तो मोटर तक आता है तो मोटर चलता है। तो ढक्कन को तो नॉर्मली मतलब कि दो जो ढक्कन होता है तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं, एक से इन और दूसरे से आउट करवा लिया जाता है और आउट करवाने के बाद जो यहां पर इसमें मोटर लगा होगा उस मोटर में सप्लाई दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर वो सप्लाई वहां से कट कर देगा तो मोटर बंद रहेगा, सप्लाई आउट करेगा तो मोटर चलेगा। और दूसरी बात ये रुकता है तो एकाएक रुकता है, इसमें रुकने के लिए क्या है इसके अंदर एक ब्रेक लगा होता है। ब्रेक कैसा होता है समझते हैं, जैसे बाइक के अंदर ब्रेक होता है ना वो पतला सा तार मजबूत लोहे की तरह लगा होता है ना कि जब हम उसको खींचते हैं तो उसमें ब्रेक लगता है ना, सेम इसी कंडीशन में इसमें है। इसका जो उल्टा होता है अगर इसके ब्रेक को आप खींचेंगे ना तो ये ढीला होता है और ढीला होता है तो मोटर फ्री चलता है और इसके ढक्कन को आप छोड़ेंगे तो टाइट होता है और जब टाइट होता है तो ब्रेक लगता है। वही काम होता है जैसे आप ढक्कन को छोड़ेंगे ना तो इसका जो रस्सी है वो नीचे दबती है, नीचे दबती है यानी फ्री हो जाती है, यानी फ्री हो जाती है तो मोटर पे जाके ब्रेक लग जाता है और जैसे ही हम ढक्कन को बंद करेंगे तो वो जो रस्सी है वो खिंचा जाती है तो जो इसका ब्रेक होता है वो भी खिंचा जाता है और खिंचा जाता है तो इसका ब्रेक जो है वो खुला रहता है और ये मोटर कार्य करता है। आप समझिए इसका जो ड्रम होता है ना जिसमें कपड़े को हम सुखाते हैं इस ड्रम का नाम होता है
स्पिन ड्रम, जो कपड़े को सुखाने वाला ड्रम होता है इसका नाम होता है स्पिन ड्रम। इसमें क्या होता है देख पाएंगे, ऐसे छोटे छोटे इसमें छिद्र बने होते हैं, छोटे छोटे इसमें ऐसे छिद्र बने होते हैं जिनका कार्य क्या होता है, इन छिद्रों से होकर के जो पानी होता है ना, जो कपड़े में लगा हुआ पानी होता है, वो पानी इन्हीं छिद्रों से होकर के बाहर निकलता है। तो देखिए जब इन्हीं छिद्रों से होकर बाहर निकलता है तो जाता किधर है वो भी दिखाते हैं आपको। और देखिए ये जो स्पिन ड्रम होता है हमारा, ये मोटर के शाफ्ट पे डायरेक्ट चलता है। पहली बात देखिए, ये जो वास था हमारा, वास मोटर, वो बेल्ट के द्वारा, पट्टे के द्वारा चलता है, लेकिन ये जो है ना पट्टे के द्वारा नहीं, डायरेक्ट चलता है, इसमें डायरेक्ट सप्लाई दिया जाता है। देखिए इसमें भी तीन पॉइंट होते हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। अगर हम इस दोनों मोटरों की तुलना करें, ये वास मोटर है और ये हमारा स्पिन मोटर है, वास मोटर और स्पिन मोटर। ये जो वास मोटर होता है ना अधिक पावर का होता है, स्पिन मोटर उससे कम पावर का होता है। वास मोटर में कैपेसिटर की पावर भी अधिक लगाई जाती है और स्पिन मोटर में कैपेसिटर की पावर वास मोटर की अपेक्षा कम लगाई जाती है। कारण समझिए, वास मोटर में ज्यादा पावर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यह पानी और कपड़ा दोनों एक साथ घुमाता है ना, इसको ज्यादा भार की जरूरत है। और दूसरी बात, यह रुक रुक के घुमाता है, एक बार चले फिर रुके, फिर चले फिर रुके, तो उस पर बल ज्यादा पड़ता है। लेकिन जो स्पिन है, एक बार अगर स्पीड पकड़ लिया तो इसको रुकने की जरूरत नहीं है, जब तक कपड़ा सूख ना जाए, तो पूरी तरह से सुखाने के बाद ही रुकता है। तो इसमें इसलिए ये जो स्पिन मोटर होता है इसको ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती, तो वास मोटर से कम पावर का स्पिन मोटर होता है। अब देखिए स्पिन मोटर का कार्य क्या होता है, ये स्पिन मोटर जब चलता है ना, ये पूरे ड्रम को घुमाता है, पूरा ड्रम घूमता है, और जितना तेज ये मोटर चलता है उतना तेज ये ड्रम घूमता है। मतलब समझिए, देखिए यहां पे पट्टे के द्वारा गियर बॉक्स लगा करके उसकी स्पीड को कम किया गया था, लेकिन यहां पर कोई स्पीड कम नहीं किया जाता, डायरेक्ट जितना चक्कर मोटर घूमेगा उतना चक्कर ये ड्रम घूमेगा, जितना तेज मोटर चलेगा उतना तेज ये ड्रम चलेगा, इस हिसाब से हमारा कार्य करता है। और समझिए जब ये तेजी से घूमता है ना, देखिए कोई हीटर तो नहीं लगा कपड़े को सुखाने के लिए, जब ये तेजी से घूमता है ना, इसके जो ड्रम तो लगा है, ड्रम के किनारे किनारे भी बॉक्स के आकार का ऐसे लगा होता है। अब ये क्या करता है, जब ये तेजी से घूमता है तो इसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र हुए हैं, बने हुए हैं, इनसे क्या होता है पानी निचोड़ता है, छिटकता है और निकल करके जाएगा कहां, ये जो किनारे किनारे ड्रम बने हैं ना, इन्हीं पे जाकर के रुक जाएगा, इसके बाहर तो कहीं जा नहीं पाएगा, तो इन्हीं में जाकर के वो रुका रहेगा। अब क्या होगा, इन्हीं का संपर्क यहां से क्या होता है, एक पाइप के द्वारा, एक पाइप के द्वारा वो जो हमारे जो ये वाली पाइप है इसमें जाकर के जुड़ा रहेगा। इससे क्या होगा, देखिए ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है ये ऑन रहे चाहे ऑफ रहे दोनों अवस्था में काम करेगी, ये स्प्रिंग चाहे ऑन रहे चाहे ऑफ रहे दोनों अवस्था में काम करेगा। मतलब इसका संपर्क देखिए उससे नीचे है ना, अगर यहां ऊपर होता साइड में लगाया जाता तो ये स्प्रिंग खुलती तभी इसका पानी भी निकलता, लेकिन ये जो पानी निकलता है ना स्पिन ड्रम में वो डायरेक्ट निकलता है। मतलब ये कि अगर ये जो स्विच है ऑन रहे चाहे ऑफ रहे, अगर आप पानी भरना चाहते हैं स्पिन ड्रम में तो पानी डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, इसमें रुकेगा नहीं, इसमें पानी को नहीं किया जा सकता। जब ये मोटर तेज गति से चलता है तो पानी छिटक के बाहरी वाले ड्रम में रहता है और उसी का संपर्क यहां साइड से आकर के पानी, यहां से गंदा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है और 5 मिनट लगभग इसका चलता है और 5 मिनट ये मोटर ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाता है और उतने में कपड़ा सूख जाता है। अब समझिए इसको चलाने वाली जो स्विच होती है ना, उस स्विच का नाम होता है हमारा स्पिन टाइमर। ये जो स्विच होती है उसका नाम होता है स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर का मतलब समझ लीजिए, हमने आपको पहले बताया कि सुखाने से संबंधित जितने भी पार्ट हैं सब स्पिन के नाम से जाने जाते हैं, और स्पिन टाइमर, यहां स्पिन ढक्कन, यहां स्पिन मोटर और ये स्पिन ड्रम, सारे पार्ट स्पिन यानी कपड़े को सुखाने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारी वॉशिंग मशीन कार्य करती है। इसमें अगर और भी देखिए, इसमें और भी अब इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन आ रही है, मतलब पीसीबी वाली वॉशिंग मशीन आ रही है जो डिस्प्ले पे कार्य करती है, तो उस प्रकार की वॉशिंग मशीन भी आएंगी। तो जो यहां स्विचे है ना, इन स्विचों में परिवर्तन करेंगे वो स्विचे, वो जो पीसीबी लगी होगी तो स्विच का कनेक्शन में डिफरेंस होगा, लेकिन ये जो इधर नीचे के सिस्टम जो कार्य करने की प्रक्रिया है वो सेम रहेगी और इसी आधार पे हमारी सारी वॉशिंग मशीनें कार्य करती हैं। यहां पर ये ड्रम के अंदर पल्स्टर घूमता है और यहां पर ये पूरा हमारा स्पिन ड्रम घूमता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो या वॉशिंग मशीन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम हर एक कमेंट का जवाब भी देते हैं। हमारा दूसरा चैनल एमआई टेक्निकल ब्लॉग पे भी जाकर के सब्सक्राइब करिए, आपने सब्सक्राइब किया अपने दोस्तों को भी करवाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।